तो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम छो कसा खाए केम ना छो वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे सबसे पहले आपको। तो अभी हम लोग है हथियारी में जो कि चरी से 4-5 किलोमीटर दूर होगा और इधर देख सकते हैं हमारे साथ कुणाल भाई हैं और इसका सुपर बाइक देख सकते हैं एकदम पगड़ा टाइप से। उधर हमारे साथ राहुल भाई आए हुए थे और उधर हमारा बाइक है स्प्लेंडर प्लस BS6 नया मॉडल, तो इसी में अपने को वीडियो बनाना है। और हम लोग आए हुए थे तीनों भाई यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी पड़ रहा है, जरी में पड़ रहा है, यहाँ पे पानी पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, देख सकते हैं माहौल किस तरह है पानी का यहाँ पे। और हम लोग आज मतलब कुछ अभी से मतलब कुछ टाइम पहले मंगवाए थे जो माउंट होता है GoPro लगाने के, अपने पास GoPro का पावर नहीं है तो अपने पास मोबाइल है तो मंगवाए थे, तो अभी थोड़ा देर पहले आया है उसको रिसीव करके। हम लोग सोचे कि जंगल में वीडियो शूट करेंगे तब दिखाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब वैसा है, और जब पानी पड़ रहा था तो हम लोग वहाँ से रिटर्न आए, पीछे देख सकते हैं जंगल, वहाँ से हम लोग घूम के आए हुए हैं और ये देख सकते हैं यही मंगवाए हुए हैं अभी मॉड। इसको खोल के ओपनिंग करेंगे, देखेंगे इसमें क्या है क्या नहीं है और इसका ट्राई भी लेंगे चला के मोबाइल से सही तरीके से हमारा वीडियो होता है या नहीं होता है, और ट्राई करेंगे अगर बेटर होगा तो धीरे धीरे और भी मतलब मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, और मोटो ब्लॉगिंग करेंगे अपने इस बाइक से और बाइक चैलेंज दिखाते हैं। और भाई का भी देख सकते हैं यहाँ पे है चैनल, तो दोनों दिखाते हैं, हम भी गाड़ी में लिखवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से जो कि कल या परसों लिखवाए थे। तो क्या जिसके बारे में बात कर रहे थे जंगल में, तो वहाँ हम लोग आ चुके हैं, यहाँ से दोबारा हमें घूम के जाना पड़ा था क्योंकि देख सकते हैं माहौल किस तरह सा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी पड़ रहा है और अभी थोड़ा सा पानी मतलब समाप्त हुआ है तो यहाँ पे आए हुए हैं। और जिसके बारे में बात कर रहे थे माउंट जो मंगवाए हैं तो वो देख सकते हैं ये है, तो अभी इसका खोल के हम लोग देखना है, चेक करना ऊपर से नीचे तक क्या है क्या नहीं, और ट्रायल भी करेंगे। और इधर देख सकते हैं हमारे भाई लोग आए हैं वीडियो शूट करने के लिए, तो चलिए देखते हैं इनका अनबॉक्सिंग सही चीज़ दिया है या नहीं, तो अनबॉक्सिंग पहले करते हैं। तो भाई ये देख सकते हैं डब्बा बहुत ही लापरवाही है और इसमें डब्बा में, और देख सकते हैं ये है, और इसको खोलते हैं पहले देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो ये है कार्ड, पता नहीं कहाँ है, स्कैन मार सकते हैं, कुछ मिलेगा तो ले लीजिएगा अच्छे से, और इसका कुछ काम नहीं है। और ये देख सकते हैं इसमें मोबाइल अपने को फंसाना है और ये सब सेटिंग बाजी करना है, और मेन है ये देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे लगाना है और इससे नहीं हेलमेट में यहाँ पे ये देख सकते हैं इसमें लगाना है। तो चलिए अभी हेलमेट में सेट करके दिखाते हैं आप लोगों को किस तरह से सेट होता है और कैसा लगता है, उसके बाद ट्रायल करेंगे मोबाइल के साथ वीडियो में, तो चलिए देखते हैं। तो ये देख सकते हैं अभी इसको सेट करेंगे उसके बाद हेलमेट में लगाएंगे, तो ये देख सकते हैं छोटा सा है, इसको अपने को ऐसा लगाना है पूछ काछ के, तो ये लग गया है। उसके बाद ये देख सकते हैं इसको लगाना है इस तरह से, पहली बार लगा रहे हैं, मेरा हाथ कांप रहा है क्योंकि पहली बार किए हैं मतलब कर रहे हैं। और इसको देख सकते हैं इसको इसमें डालना है, ये लगने के बाद अब इसको इसमें ट्राई करना है मतलब लगाना है, तो देख सकते हैं इसे इसको ऐसे ऐसे गोल गोल राउंड राउंड करना है, ये अपना हो गया है टाइट। आप जैसा वीडियो बनाना चाहते हैं वैसा आप इसको लगा सकते हैं, या तो इस तरह से या तो इस तरह से। अब ये हो चुका हमारा कंप्लीट, अब इसको हेलमेट में लगाते हैं। ये देख सकते हैं हमारा सेटअप हो चुका है और यहाँ पर अपने को मोबाइल लगाना है, तो पहले पहन के देखते हैं बाबा शूट करता है कि नहीं मतलब किस तरह से लगता है, तो अपने को सही लग रहा है। अब इसमें मोबाइल लगाते हैं और ऐसे से करके देखते हैं, यहाँ पर एक राउंड दो राउंड मारेंगे मोबाइल के साथ में,
तो चलिए पहले मोबाइल से ट्राई मारते हैं। तो गाइस हम हेलमेट पहन चुके हैं और हमारा जो गोप्रो का सिस्टम था वो लग चुका है मोबाइल के साथ। तो देख सकते हैं बढ़िया तरीके से अपना बाइक स्प्लेंडर प्लस BS6, और ये हमारे कुणाल भाई का बाइक है। कौन सा बाइक है रे? हंटर। हंटर है, अपने को मालूम नहीं क्योंकि अपने को स्प्लेंडर प्लस से चलना है। तो और वहाँ पे देख सकते हैं अपना सेटअप लग चुका है, अपने को वीडियो बनाना, वीडियो शूट करना है। और इधर हमारे कुणाल भाई है और इधर हमारे राहुल भाई है। तो चलिए थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव लेते हैं अपने बाइक से और देखते हैं हमारा वीडियो किस तरह से आता है या नहीं आता है। अपना बाइक स्टार्ट हो चुका है और ट्राई मारना है इसी तरह। तो चलिए आगे से चलते हैं और राउंड मार के आते हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से मतलब रोड तो बनाया गया है, और प्लस यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा पड़ रहा है तो देख सकते हैं इसी के चलते हम लोग वहाँ पे रुके हुए थे। और अभी देखते हैं धीरे धीरे इसमें अगर थोड़ा सा प्रोग्रेस होगा हमारा वीडियो तो और करेंगे इसमें। तो अभी धीरे धीरे कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता, कहाँ तक सही होता है। और थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि पहली बार कर रहे हैं ये सब चीज़ मोटो ब्लॉगिंग। थोड़ा सा दूर चलते हैं, उसके बाद हमें टर्निंग लेना है क्योंकि ज़्यादा दूर चलना नहीं है, बस वीडियो ट्रायल के लिए देख रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो नेक्स्ट टाइम से अपना फुल वीडियो रहेगा, फुल मोटो ब्लॉगिंग रहेगा। धीरे धीरे करते करते आगे भी चलेंगे, और उधर से देख सकते स्कूटी में पापा की पहली लोग आ रही है तो इससे बच के रहना चाहिए। और धीरे धीरे अपने बाइक को टर्निंग के साथ लेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा जोर स्पीड से बाइक को घुमाने से जो मोबाइल है वो अपना गिर सकता है, क्योंकि गोप्रो तो लगा हुआ है नहीं और मोबाइल ज़्यादा झटका खाएगा तो नीचे अपना गिर सकता है। और काफ़ी मज़ा आ रहा है, बस हेलमेट थोड़ा सा अपना भी अजीब लग रहा है क्योंकि हेलमेट है स्प्लेंडर प्लस का। तो देखते हैं इसमें कितना देर चलता है, कितना हमारा चल सकता है, और वहाँ देखते हैं हमारे भाई लोग कितना क्या कर रहे हैं, वीडियो शूट करने का तरीका अजमा रहे या नहीं। हथियारी मोड़ 1 किलोमीटर दूर है, तो जहाँ हम लोग रुके हुए थे फर्स्ट टाइम में वही है हथियारी मोड़। और जब वहाँ थे हम लोग तो हमारे भाई लोग फ़ोन किए हुए थे क्रिकेट मैच खेलने के लिए, क्योंकि हम लोग पर डे शाम को क्रिकेट मैच खेलते हैं और पानी यहाँ पे पड़ गया था। तो वहाँ पे चलते हैं जल्दी से, यहाँ वीडियो शूट करेंगे, उसके बाद चलेंगे हम लोग क्रिकेट खेलेंगे और क्रिकेट ग्राउंड पर दिखाएंगे अगर हो सकता है तो। अभी फ़िलहाल तो चलते हैं अपने भाई लोग के पास, देखते हैं हमारे भाई लोग क्या वीडियो शूट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और देख सकते हैं हमारे राहुल भाई काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराते हुए, और पीछे से गाड़ी आता तो ठोक ठाक के चल देगा, अपने को पता भी नहीं चलेगा। काफ़ी अच्छा लगा अपने को टेस्ट ड्राइव करके गाड़ी बाइक, और स्प्लेंडर प्लस है तो धीरे धीरे अपना जब कुछ हो जाएगा तो अपना MT50 आएगा सपनों का महल। और यहाँ पर चलते हैं अपने भाई लोग के साथ, थोड़ा सा वीडियो शूट करते हैं, उसके बाद चलेंगे घर तरफ। तो दिखाएंगे चेरी घाटी का कुछ सीन वीडियो जहाँ पे हम लोग क्रिकेट भी खेलते हैं और लोचाला पाड़ा करते हैं, तो खूबसूरत सा जंगल में। तो हम लोग आए थे हम और कुणाल भाई और राहुल भाई, तो हमारा इधर वीडियो शूट हो चुका है। अभी हम लोग चलते हैं घर, नहीं चलेंगे अभी, चलेंगे हम लोग ग्राउंड, हाई स्कूल ग्राउंड जो कि चेरी में, जहाँ पर हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। और बहुत भाई लोग तभी से फ़ोन कर रहा है आने के लिए, मतलब जब ज़बरदस्ती खेलना है तो खेलना है, तो वहाँ हमें जाना पड़ेगा। फिर कभी हम लोग आते हैं अपने भाई लोग के साथ तो वीडियो शूट करेंगे। सीधा लगाते हैं हेलमेट में मोबाइल और चलते हैं, दिखाते हैं बेहतरीन सा सीन चरी घाटी का, और जहाँ पे हम लोग खेलते हैं वहाँ पे मेरे भाई लोग वहाँ का। चलिए सीधे मिलते हैं। तो भाई लोग ये देख सकते हैं अपना चरी का घाटी है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, और अगर यहाँ से गुजरते हैं तो थोड़ा सा संभल के और देख के गुजरे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक्सीडेंट होता है। अपने को बहुत जल्दी चलना है क्योंकि वहाँ पे भाई लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। और वहाँ पे देख सकते पीछे जहाँ पे हम लोग थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी पड़ रहा था, और यहाँ पर देख सकते सूखा है। और उधर से हमारे कुणाल भाई आ रहे हैं क्योंकि उन्हें वीडियो शूट करना था, तो उनका वीडियो शूट हो चुका है और अभी हम लोग चलते हैं और मज़ा लेते हैं, देखते हैं रास्ते में कोई मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे जो डेंजरस जगह जो घाटी का है वो आगे है और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है,
तो धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे इस चीज़ में। उसके बाद गाड़ी को नया गाड़ी को लेंगे, उसके बाद सब धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। अभी तो अपने को गरीबी स्थिति में जीना पड़ेगा क्योंकि घर से गाड़ी नहीं मिल रहा। और देख सकते हैं हमारे कुणाल भाई, देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से लीन मार रहे हैं। और अपने को तो लीन मतलब डर लगता है मारने में, लेकिन कभी कभी मार लेते हैं पूरा सेफ्टी के साथ रहे, उसके बाद लीन में मारेंगे तो तभी मज़ा आएगा, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है बाइक में, वो भी बाइक चलाते हुए। और आगे देख सकते हैं बजरंगबली का मंदिर है जो चटी घाटी में है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है। पहले जो सड़क था वो उसी साइड से था, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम बना के चेंज कर दिया। और यहाँ पे देख सकते हैं शरीफ घाटी बढ़िया है मंदिर का। ज़ोर से बोलो जय श्री राम, जय बजरंगबली। और ये आगे है ओवर ब्रिज के नीचे से हम लोग को चलना है। और हर टाइम तो राहुल भाई बाइक चलाते थे, और अभी हम चला रहे हैं क्योंकि अपने को बोलना पड़ेगा और मोटर को भी करना पड़ेगा तो बाइक चलाना पड़ेगा। इसीलिए जब बाइक चलाएंगे तब कंट्रोल भी कर लेंगे, और नहीं चलाएँगे तो राहुल भाई अंकित भाई वही बाइक चलाने के लिए राहुल भाई चुपचाप बैठे हुए पीछे, ना कुछ सुन रहे ना कुछ बोल रहे, सुन भी रहेंगे पता नहीं शायद। गाड़ी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। और नीचे से चलना है अपना, तो रास्ता देख सकते हैं ये साइड से मोटो ब्लॉगिंग तो करते हैं, मोटो ब्लॉगिंग पहली बार ट्राई किए हैं, तो देखते हैं हम लोग का रिस्पॉन्स किस तरह से आता है और हमारा भी धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, क्योंकि पहली बार सब चीज़ नहीं होता है, धीरे धीरे घूम घूम से गड़ा भरता है। तो आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा तो ये भाई का भी चैनल एकदम फाल टाइप से चलेगा, अपना भी चलेगा। तो भाई का जो चैनल है वो लिंक में डाल देंगे, ताकि आप लोग भी सपोर्ट करें, हम भी करेंगे और हमको भी करके सपोर्ट, ताकि अपना झारखंड का नाम रोशन हो, यहाँ भी जाने कि यहाँ भी लड़के लोग में कुछ है, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं अपना, वाह वाह एक नंबर शॉट। तो यहाँ पे ये है ओवर ब्रिज, और इसी के नीचे से हम लोग को चलना है। यहाँ से हम लोग को दो मिनट लगेगा चलने में, तो फिर हम वहाँ बोल बम, जो सावन का महीना स्टार्ट है वहाँ पे श्रद्धालु लोग आए हैं, तो बोल बम चाहिए, बोल बम और बोल बम ज़रूर जाएं सावन में। और यहाँ पे अपना लगता है चेरी मार्केट, जो कि सोमवार और बुधवार को लगता है, आज है मंगलवार, आज तो लगेगा नहीं, और जिस दिन लगेगा उस दिन आ जाना। तो कुणाल भाई जा रहे हैं घर, और हम लोग को चलना है क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि हमारे देखते हमारे भाई लोग आए हैं, और कुछ आए हुए हैं, कुछ नहीं आए हुए हैं, तो चलते हैं अपने को देखते हैं। और इधर हमारे देख सकते हैं मोनू भाई एकदम बढ़िया तरीके से, और मास्टर लोग भी है क्या मास्टर हमने ब्लॉग बनाया फिल्टर लगाना पड़ेगा ना। अरे रुको ना बेटी, इसके बारे में बात कर रहे थे, वहाँ हम लोग आ चुके हैं, और यही है हाई स्कूल ग्राउंड। और इधर देख सकते हैं हमारे भाई लोग, ये है मोनू भाई, और उधर है रितिक मास्टर, जो कि हम इसको मास्टर बोलते हैं। और उधर हमारे अलोक भाई आए हुए हैं, R15 है ना, हाँ तो R15 गाड़ी का हमें नॉलेज नहीं है, नॉलेज है स्प्लेंडर प्लस का है, स्प्लेंडर प्लस में मस्त घूमते रहते हैं। अभी हम लोग चलते हैं क्रिकेट खेलेंगे भाई लोग। और ये देख सकते हैं कुणाल बोलते हैं नाम, हाँ लोग भाई, कुणाल भाई तो चल गए, इसका भी इनका भी यूट्यूब चैनल है, ये भी अपना करते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो सभी खेलते हैं, सीधा चलेंगे हम लोग शाम के घर। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। उससे पहले अगर छोटा सा वीडियो आपको सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें क्या मास्टर, और अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें, क्योंकि ट्राई कर रहे थे फर्स्ट बार मोटर ब्लॉगिंग करने का, तो देखते हैं कितना सपोर्ट मिले कितना नहीं। और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, नए लोकेशन के साथ कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खाते पीते रहें, और अपने माता पिता और भारत माता से प्यार करते रहें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।